आज आपके साथ एक मजेदार रेसिपी शाही टुकड़े बहुत ही आसान और बहुत मजेदार बनते हैं, तो चलें उसको हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मिल्क सिरप बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर मिल्क और 1 कप शुगर और साथ ही 1 टेबल स्पून सब्ज इलायची, 1/4 केवड़ा एसेंस और रोज वाटर 1/4। इन सबको अच्छे से मिक्स करूंगी 5 से 6 मिनट और बॉयल करूंगी उनको अच्छी तरीके से। जैसे बॉयल हो जाएंगे ये, इसमें मैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और पानी उसकी एक अच्छी से डिक्सी बैटर रेडी करूंगी, वो ऐड करके इसको जितनी मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए उतनी रखूंगी, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब मैं खोया मिक्सचर बना रही हूँ, उसके लिए 2 टेबल स्पून घी लिया है, 1/2 kg मैंने इसमें खोया लिया है, 2 कप इसमें मैंने सादा दूध लिया है और साथ ही 1 कप कंडेंस मिल्क लिया है और 1/4 क्रीम ली है, कोई भी क्रीम ले सकते हैं आप। और अच्छे से इन सब तमाम चीजों को करूंगी मिक्स और 6 से 8 मिनट इनको मिक्स करने के बाद जो है इनका पानी ड्राई करने के बाद डिजायर क्वांटिटी मिल चाहिए तब तक मैं से मिक्स कर लूंगी। फ्लेम ऑफ करेंगे इसके बाद वो इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। साथ ही मैंने लिए हैं देसी घी के अंदर ब्रेड के स्लाइस हैं, कॉर्नर इनकी मैंने रिमूव कर दिया और इनको पहले मैं एक साइड को फ्राई करके दूसरी साइड को भी फ्राई करूंगी, इसी तरह मैं सारे पीसेस को फ्राई कर लूंगी। अब मैं डिश के अंदर पहले जो मैंने मिल्क सिरप बनाया था वो ऐड किया, उसके बाद मैंने फ्राइड ब्रेड के 4 स्लाइसेस ऐड किए, उसके बाद फिर अगेन मैं इसमें मिल्क सिरप ऐड करी, उसके ऊपर खोया मिक्सचर जो मैंने रेडी किया था उसको चम्मच की मदद से हम अच्छी तरह हिला लेंगे, इसकी एक लेयर लग जाएगी। उसके बाद मैं इसके अंदर बादाम और पिस्ता ऐड करूंगी, इसके अलावा किशमिश भी ऐड करूंगी और जो आपको ड्राई फ्रूट अच्छा लगे आप ऐड कर सकते हैं। फिर अगेन मैं फ्राइड ब्रेड और मिल्क सिरप ऐड कर रही हूँ और ये सारा सेम प्रोसीजर जो मैंने पहले किया था वही रिपीट करूंगी अगेन से और गार्निशिंग भी बिल्कुल वैसे ही करूंगी। उसके बाद एंड में जो है वो मैं सिरप ऐड ब्रेड के ऊपर खोया का मिक्सचर ऐड कर रही हूँ सिर्फ और ऊपर से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ बादाम पिस्ता किशमिश और मैं इसके साथ यूज कर रही हूँ चांदी का वर्क गार्निशिंग के लिए और बहुत मजेदार है और इसको जरूर ट्राई करें अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट आपको आसानी से मिल सके।